मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लुटेरी दुल्हन के द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। परदेसीपुरा पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन और उसकी मां के साथ ही साथियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 3 महीने पहले एक युवक को शादी का झांसा देकर 76,000 रुपए और मंगलसूत्र हड़प लिया था। दरअसल ये दस्तावेज लुटेरी दुल्हन ने अपने पुराने पति से भरण पोषण वसूलने के लिए तैयार करवाए थे। परदेसीपुरा TI पंकज द्विवेदी के अनुसार फरियादी चंदू पिता आनंद राव निवासी जीवन की फेल की शिकायत पर आरोपी महेंद्र पूजा और लक्ष्मी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं इनके साथ ही अशोक की तलाश जारी है। दरअसल पूजा लुटेरी दुल्हन है और लक्ष्मी उसकी माँ है। चंदू और पूजा कुछ महीने पहले आसपास ही रहते थे। चंदू की शादी नहीं हुई थी। आरोपी माँ बेटी ने उसे झांसे में लिया और शादी के बहाने 74,000 रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, कपड़ों की खरीदी करने के नाम पर राजवाड़ा के एक मॉल में ले गए, वहां पर मंगलसूत्र भी ले लिया और फिर गायब हो गए। चंदू ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी। बीते 2 दिन पहले एक आरोपी चंदू को नजर आया तो वो उसे पकड़कर परदेसीपुरा थाना ले आया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच हुई और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इधर पुलिस ने आरोपी मां बेटी को पकड़ा और उनके घर की तलाशी ली तो ये पता लगा कि उन्होंने पहले भी एक युवक को इसी तरह ठगा है। इतना ही नहीं, इंदौर में एक अन्य युवक से भी शादी की और उसके खिलाफ अब न्यायालय में भरण पोषण का केस दर्ज करने की भी तैयारी कर रहे थे। आरोपी माँ बेटी ने कईयों को अपना शिकार बनाया है। और शादी का झांसा देकर के पैसे लूटना और धोखाधड़ी करने जैसे। जी जी, देखिए ये क्या है, एक चंदू विभीषण करके एक आवेदक है, उसने इस आशय की कंप्लेंट कर रखी थी वरिष्ठ कार्यालय में कि एक लड़की पूजा है, पूजा ने उससे शादी का कमिटमेंट किया और शादी करने के नाम पर एफिडेविट वगैरह कोर्ट में बनवाए और वहां से कुछ पैसा लेके और उसके ऑर्नामेंट्स और साड़ी वगैरह लेके पूजा रफू चक्कर हो गई और पूजा ने ना तो शादी की और तमाम सारा उसका पैसा लेके चली गई। इस आशय की जब शिकायत प्राप्त हुई थी तो इसकी जांच की जा रही थी। इसी जांच के दौरान पूजा का जो एक एसोसिएट था अजय, वो परदेसीपुरा चौराहे पे खड़ा दिखाई दिया फरियादी को, तो फरियादी उसको लेकर आया। उसकी निशानदेही पर जब ने पूजा और लक्ष्मी को बुलाकर लाया, उनसे पूछताछ की तो मामला सही पाया गया और इस मामले में चंदू विभीषण निवासी टापू नगर की रिपोर्ट पर हमने पूजा, उसकी मां लक्ष्मी और उनका एक अन्य एसोसिएट महेंद्र, इन तीनों के विरुद्ध 420 का मामला कायम कर लिया है और चंदू विभीषण को इन्होंने 74,000 रुपीज उससे लिए और एक मंगलसूत्र, 100 चांदी की पायल और 2 साड़ियां उससे ले चुके थे और शादी करने का कमिटमेंट था, किंतु इन्होंने शादी नहीं की और ये सब चीजें लेकर रफू चक्कर हो गए थे। ये अपराध हमने 420-34 का इनके विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया है और जब पूजा के घर की तलाशी ली तो वहां कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे ये प्रमाणित होता है कि इसने पीछे भी एक अमृत लाल करके हैं उससे शादी की थी और शादी ना करके उससे कमिटमेंट किया था और उसके बाद में उसको भी कहीं ना कहीं से छलावा किया उसके साथ में। अब चूंकि वो हमारे पास फरियादी नहीं है, लेकिन अगर इस मामले में आता है तो हम उसको को विटनेस बनाएंगे। सर, क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट बना करके दबाव बना दी थी किस तरह से, या जो है शरीयत अच्छी थी पूरा, या किसी को पहले से या रेकी कर दी थी कि इस व्यक्ति को झांसे में? देखिए क्या है, इसको इतना तो ये देख ही लेती थी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो पा रही है या कोई परित्यक्ता है इस तरह का व्यक्ति है तो उसको जो है ये चयन करके उससे शादी करने का कमिटमेंट करते थे और शादी को पूरी तरीके से महिमा मंडित न करते हुए कोर्ट मैरिज का ही हमेशा वो करते थे। इस संबंध में इन्होंने डॉक्यूमेंट भी बनवाए, चंदू के साथ शादी के संबंध में भी इन्होंने नोटरी बनवाई है और उससे पहले जो इन्होंने अमृत के साथ में भी जो शादी करने का कमिटमेंट था उसमें भी इन्होंने एक दस्तावेज नोटरी का तैयार करा और सभी के साथ में शादी करने का कमिटमेंट किया है, शादी के लिए एफिडेविट्स वगैरह बनाए हैं लेकिन किसी को भी निभाया नहीं है। तो अभी बाकी औरों के कंसर्न में भी मामला विवेचनाधीन है, देखते आगे क्या परिस्थिति। देखिए एजेंट बतौर महेंद्र जो इसके साथ में जो कोई एक्यूज है वो महेंद्र भी इनके साथ यही काम करता था और एक जो लड़का अशोक है, अशोक मिला है तो अशोक भी इनके साथ यही काम करता, सब मिलके करते थे और जो भी पैसा इनको प्राप्त होता था सब आपस में शेयर कर लेते थे। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों को आगे आकर उनके खिलाफ शिकायत करने को कहा है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।